अस्सलाम वालेकुम। धान की फसल जदों 15 तो 20 दिन की हो जाती है, जदों पनीरी शिफ्ट करन तो बाद 15 तो 20 दिन की फसल हो जाती है, तो ये तुहानू जिंक की अलामत नज़र आना शुरू हो जाती है। जिंक की की अलामत आ और जिंक धान वास्ते कितनी जरूरी आ और किहड़े टाइम तक इस्तेमाल होनी चाहिए आ, क्या जिंक का स्प्रे भी हो जाता वा, और अगर इनू इस्तेमाल करिए आपां ते क्या, क्योंकि मार्केट बहुत किस्म दियां जिंका, क्योंकि 21% 27% 33% आ, इस ते अज आप गल करांगे कि किहड़ी जिंक बेस्ट आ और किन्नी मकदार नाल पाउणी चाहीदी आ और किहड़े टाइम ते पाउणी चाहीदी आ, इस ते अज आप गल करांगे। तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब करो और बैल आइकन दबाओ ताकि साडी हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँच जाए। जी दोस्तों, जदों तुहाडी मुंजी की फसल 12 तो 15 दिन की हो जाए तो इनू जिंक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता वा, क्योंकि अगर तुम जिंक लेट करोगे या जिंक नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो इसका कलर भी बदलेगा और पत्तियां ते जिहड़े निशान पै जांदे जिंक की कमी ना वो शुरू हो जाएंगे और जिहड़ा झोने का तिलड़ यानी कि जिहड़ा बूझा बनता वह नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि जिन्ना अच्छा इसका बनेगा तो ना शाखा कटेगा उन्ना ही इसकी पैदावार अच्छी आएगी। अगर ये वेखिए कि जिंक कड़ी पानी है, अगर तुम जिंक 33% वाली इस्तेमाल करनी तो 6 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करनी है, अगर 27% वाली जिंक इस्तेमाल करनी है तो फिर तुम 7 किलो इस्तेमाल करनी है, और अगर 21% वाली जिंक इस्तेमाल करनी है तो फिर 10 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करनी है, और अगर यदि स्प्रे की गल करिए तो जिंक का स्प्रे भी हो जाता वा, तो वह तुम जी जिंक चिलेटर जिंक होंगी स्प्रे करो क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट आ, और अगर यदि मकदार की गल करिए 120 ग्राम तो 150 ग्राम तुम यदा स्प्रे करवाना वा सिलीटर जिंक का, ये तुम 3 स्प्रे करवाने 8-8 दिन के वक्फे से, पहला स्प्रे 15 दिन से, दूसरा 8 दिन के वक्फे से, तीसरा स्प्रे भी उस तो 8 दिन के वक्फे से। दोस्तों, अगर तुम जिंक इस्तेमाल भी कर ली आ नीचे 12 तो 15 दिन के और ये स्प्रे भी करवा ले तो पैदावार बहुत ही अच्छी आएगी, ये बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं साड़ी वीडियो तुहानू अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।